कोरोना भले ही चला गया हो लेकिन वो अपने पीछे तमाम तरह की समस्याएं छोड़ गया है। एक रिसर्च में सामने आया है कि दिमाग जो है वो 20 साल बूढ़ा हो गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन जी हैं जो कि धर्मशिला हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या इसका मतलब हुआ कि 20 साल बूढ़ा हो गया है दिमाग कोरोना की वजह से? 20 साल बूढ़ा होने का मतलब कोई ऐसा नहीं कि दिमाग में कुछ ऐसा हुआ, मतलब ये है कि 40 साल का व्यक्ति, उसका दिमाग जैसे काम कर रहा था, ये व्यक्ति का दिमाग अब 60 साल जैसे काम कर रहा है। इसको कॉग्निटिव डिसफंक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ एकाग्रता की कमी, याददाश्त की कमी और किसी काम को करने में बार बार भूलना, अभी देखा अभी भूल गए, इस तरह की जो समस्या है पोस्ट कोविड सिंड्रोम, पोस्ट कोविड अटेंशन डेफिसिट या कॉग्निटिव डिसफंक्शन जिसको बोले, इसको इसके कारण कहा गया कि दिमाग हो गया। फिर चेक किया गया एमआरआई से, बहुत सारी जांचों से देखा गया कुछ लोगों में दिमाग सिकुड़ा भी है, दिमाग का साइज भी छोटा हुआ है, जो कि आमतौर पर सेनाइल एट्रोफी मतलब उम्र होने के बाद होता है, ऐसा हुआ, इसलिए कहते हैं दिमाग 20 साल बूढ़ा हुआ। तो ये जो है, ये कौन कौन से लोग हैं जो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हुए हैं? बढ़िया सवाल है। देखिए, इसमें जिनको कोविड इन्फेक्शन हुआ सभी प्रभावित हुए, लेकिन जिसमें एसिम्प्टोमेटिक रहा ना के बराबर, जिनमें माइल्ड सिम्टम रहा घर पे ठीक हुए, उनमें माना जाता है कि 6 से 7 साल बूढ़े हुए, मतलब उनका दिमाग 6 से 7 साल बूढ़ा हुआ, और जो आईसीयू में रहे या लंबे समय तक बीमार रहे उनमें 20 साल, मतलब इन्फेक्शन जिसमें हुआ उसमें होने की पॉसिबिलिटी सब में रही। सिवरिटी किसमें कितना खतरनाक हुआ इसका जरूर अंतर आया। अब कौन कौन से लोग ज्यादा होंगे प्रभावित इसमें? डायबिटिक वाले लोग ही, जीन एक्सप्रेशन H2 रिसेप्टर जिसपे कोविड कोरोना वायरस अटैच होता, तो उसमें अगर किसी में ज्यादा हो उनमें ज्यादा हुआ। आपने देखा होगा टॉक्लिज़ुमैब एक दवा चली थी, उसमें जिनमें चली उनमें ज्यादा तकलीफ हुई, जिनमें डाइजीपाम ओपियोड्स मॉर्फिन टाइप की दवा आईसीयू में शांत करने की चलाई गई उनमें तकलीफ ज्यादा देखी गई थी। सर, क्या ये आईक्यू लेवल की बात हो रही, तो क्या जैसे पेरेंट्स जो बहुत चिंतित होते अपने बच्चों के आईक्यू को लेकर या यंगस्टर्स भी बहुत चिंतित होते, क्या आईक्यू पर भी इसका असर पड़ा है काफी? देखिए, इंटेलिजेंस क्वेश्चन एक पूरा ग्रुप है जिसमें कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, कोई इंसान कितना इंटेलिजेंट है, उसमें मेमोरी भी एक चीज है, अटेंशन मतलब एकाग्रता भी एक चीज है, कॉग्निशन पूरा ग्रुप है, तो आईक्यू पे भी असर पड़ा है इसमें, ये जरूर है। लेकिन बच्चों के दिमाग की रिकवरी फास्ट हुई, ओल्ड एज वालों के दिमाग की रिकवरी कम हुई। अब इसको समझिए कैसे हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ, लोग समझ रहे थे सिर्फ फेफड़े का इन्फ्लेमेशन है, ऐसा नहीं है, ब्रेन सेल का भी हुआ और ब्रेन में सूजन आ गई। ब्रेन कई तारों से उलझा हुआ एक अंग है, उस तार में सूजन आने के कारण जो करंट चलने की स्पीड थी कम हो गई, तो सोचने की क्षमता कम हुई, एकाग्रता कम हुई, फिर उसके ऑटो इम्यून एनकेफेलाइटिस मतलब ब्रेन अपने अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगा, ये समस्या, ब्लड ब्रेन बैरियर डिस्ट्रॉय हो गया, तो बाहर से प्रो इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स गए और फर्दर इन्फ्लेमेशन कराया। तो ये आप समझिए जैसे अंगीठी आप जलाते हैं या चूल्हा जलाते हैं, चूल्हा में मेन आंच बुझ जाती है लेकिन थोड़ी थोड़ी आंच जलते रहती है, जिसको टेक्नोलॉजी हम कहते हैं स्मोल्डरिंग, मतलब अभी भी आंच जल रही है। 1 साल से 1.5 साल तक इसका इन्फ्लेमेशन ब्रेन में चलता जा रहा है। मैं कैंसर सर्जन हूं, ऑपरेशन जब मैं करता था कोविड के रिकवर के मरीज को, तो कोविड फेफड़े में हो रहा है लेकिन स्तन का ऑपरेशन कर रहा हूं वहां भी सूजन मिल रही है, पेट का कर रहा हूं वहां भी मिल रही है, थ्रोट का कर रहा हूं वहां भी मिल रही, मतलब कोविड में सूजन इन्फ्लेमेशन शरीर के हर हिस्से में हुआ, सिमिलरली ब्रेन में भी हुआ था। अच्छा, जो लोगों को ये समस्या हो गई, जिनको भूलने की दिक्कत हो गई, जैसे मैं बता रहा 20 साल ज्यादा बूढ़ा हो गया है दिमाग, तो ऐसे लोग क्या करें, अब क्या कर सकते हैं? देखिए, स्टैंडर्ड जो इसका ट्रीटमेंट है न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं, जिसमें कॉग्निटिव इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ कुछ स्केल है पैरामीटर्स उसको करके और रिहैबिलिटेट करते हैं, ये तो ठीक बात है। लेकिन उनको जो मैं सलाह दूंगा, जितने रिसर्च आ रहे हैं कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को शुगर, किसी भी फॉर्म का शुगर, मीठा मतलब फल भी खाना बेकार है, सॉल्ट नमक कम कर दें, चीनी तो नहीं लें एक्स्ट्रा अपनी लाइफ में, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन B12 की मात्रा सप्लीमेंट के फॉर्म में ले लें, और थोड़ा सा सोशल गैदरिंग करें, क्योंकि देखा गया लोनलीनेस जिनमें थी उनमें ही प्रॉब्लम ज्यादा हुई थी, इन कुछ चीजों को करें। क्यों ऐसा कहा जा रहा है रिसर्च में, क्योंकि शुगर खाने वाले लोगों में एक इन्फ्लेमेशन प्रोसेस चलता रहता है, और ये अंगीठी को अगर शांत करनी है तो आपको पानी डालना पड़ेगा, पानी डालने के लिए आपको इन्फ्लेमेशन कम करना पड़ेगा, तभी ये अंगीठी बुझेगी और आपका कॉग्निटिव इंप्रूवमेंट होगा। आमतौर पर 1 से 1.5 साल लग रहा है तब जाके इम्प्रूव हो रहा है। थैंक यू सो मच सर। तो ये हैं डॉक्टर अंशुमन जी जो कि धर्मशिला हॉस्पिटल के डायरेक्टर, इन्होंने बताया कि किस तरह से कोविड ने सिर्फ
फेफड़ों को ही नहीं प्रभावित किया बल्कि दिमाग भी किस तरह से प्रभावित हुआ कोविड की वजह से, क्या क्या दिक्कतें होने लगी, दिमाग बूढ़ा हो रहा है, तो ऐसी तमाम समस्याएं आ रही हैं। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ में शालिनी वाजपेयी, टीवी 9।